बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल फतेहाबाद में आयोजित हुए कई कार्यक्रमों में पहुंची थी और इस दौरान सुनीता दुग्गल ने जन समस्याएं सुनने के साथ साथ किसानों की मांगों समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बयान भी दिया। ये बीजेपी सांसद का जनता दरबार है जहां फतेहाबाद की जनता अपनी कई समस्याओं को लेकर पहुंची और कई लोग अपनी समस्याओं का निपटारा होने के बाद सांसद का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे। दरअसल सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल फतेहाबाद पहुंची थी और इस दौरान सुनीता दुग्गल ने जहां जन समस्याएं सुनी तो वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर बयान दिया कि किसानों की मांगे जल्द ही पूरी कर दी जाएंगी और किसानों की बाकी की मांगों को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा। सभी किसान भाइयों का एम्फेसिस था, जो उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो कानूनों का ही था, भी तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे खुद जो है इस बात की घोषणा की और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जैसे ही संसद चली तो पहला ही दिन जो था उसके अंदर इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर पास किया गया, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे प्रार्थना भी करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि अपने देश की तरक्की के लिए, अपने प्रांत की तरक्की के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए अब वो किसी भी काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे। और साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सुनीता दुग्गल ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनावों में मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी तैयारियां तो देखिए, एक जगह पर चुनाव खत्म होता है तो हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जगत प्रकाश नड्डा जी, तो हमारी ये सिस्टम ही ये है कि अगले दिन से हम लोग अगले जो है चुनावों की तैयारियां शुरू कर दे, तो हमारी भरपूर तैयारियां हैं, पूरी तैयारियां हैं, सभी कार्यकर्ता जो वो कमर कसकर मैदान में आने के लिए तैयार है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर और बढ़ते वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर सुनीता दुग्गल ने कहा कि सावधानी और कोरोना के नियम ही बचाव का सही उपाय है। सुनीता दुग्गल ने जनता से अपील की कि वो वक्त रहते कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। हमारी पूरी नहीं हुई है और उसकी वजह से फिर से कोई गतिरोध पैदा करने की अगर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो उनके इलाके के विकास में ही बाधा बनेगा। एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान, क्या लागू होगा? कमेटी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरी एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी में जितने भी किसानों के बाकी मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और जो कुछ भी उसके अंदर जो ठीक होगा वो जरूर लागू होगा। एक जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर आ रही थी, इसको निपटने के लिए सरकार द्वारा या केंद्र सरकार किस प्रकार की रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो जो है ना, हमें हमारे समाज को जो है इस चीज़ की बहुत सख्त जरूरत है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर एक बात तो ये है कि सरकार बार बार वैक्सीनेशन के लिए कह रही है, तो वैक्सीनेशन अपनी 100% जो है वो करवाएं। जिस किसी को भी कोई दिक्कत आए वैक्सीनेशन के लिए हमें बताएं, हम डॉक्टर से, सीएमओ से और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे बात करेंगे। कल भी जो है कोरोना के ऊपर, परसों मैं आपको बताऊं कि कम से कम भी 17 घंटे के करीब जो है इसके ऊपर, 14 घंटे 17 घंटे के करीब जो इसके ऊपर चर्चा चली है, जिसके अंदर मैंने भी खुद भागीदारी करी है और 90 मिनट तक, 1.5 घंटा तक हमारे जो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय मनसुख मांडविया जी, उन्होंने इसके ऊपर पूरी जो है रिप्लाई किया है, पूरा इसके ऊपर जो है जवाब दिया है। तो मुझे लगता है कि हम सबके सहयोग से, हम अगर आपस में एक दूसरे से सहयोग करेंगे तो हम तीसरी लहर को जो है उसको हम बचा सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम वैक्सीनेशन का ध्यान रखें और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें और मास्क लगा के रखें, तो मुझे लगता है कि तो हम इससे जो है जरूर हम इसका हमारा इससे बचाव हो सकता है। आपको बता दें कि फतेहाबाद में ना सिर्फ सुनीता दुग्गल ने जनता की समस्याएं सुनी बल्कि कई समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। साथ ही फतेहाबाद के रतिया में कॉलेज विद्यार्थियों की बस की कमी को लेकर कहा कि बस की सुविधाओं को लेकर फतेहाबाद के जीएम से बात की जाएगी और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। जसपाल सिंह, फतेहाबाद, खबरें अभी तक।